आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, जो है बेसन की चीला की रेसिपी। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और बड़े और बच्चों दोनों के टिफिन में दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, चीला बनाने के लिए यहाँ पर पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास, कप या कटोरी, आपके हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अभी सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोल तैयार करना है बेसन का। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसके फटाफट से चीले बना लेते हैं। ये देखिए, गैस पर तवा मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब इसमें हम ये जो बेसन का घोल बना के रखा था इसे 2 चम्मच डालेंगे। ये नॉर्मल चम्मच है जो हम दाल के लिए यूज़ करते हैं, वो अच्छी तरह से फैला लेना है और 2 मिनट अच्छे से पकने देना है। और ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे हम और इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेते हैं। और ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, फिर से इसे पलटते हैं। और ये देखिए, एकदम गर्मा गर्म मस्त हमारा बेसन का चीला बनकर तैयार है। तो बाकी के भी चीले हम इसी तरह से बना लेते हैं।